सीरियल रब से है दुआ में आज एक के बाद एक सच का खुलासा हो रहा है। इतने धमाके हैं जैसे मानो दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। एक तरफ तो इबादत ने दुआ को बता दिया है कि वो सुभान से प्यार करती है और ये खुलासा भी कर दिया है कि मन्नत दरअसल शादी का ये पूरा ड्रामा कर रही है, मोहब्बत तो उसको फरहान से है। सुभान को चाहती हूँ पर सुभान मुझे नहीं चाहती। सुभान मन्नू को चाहता है, मन्नत उसकी मोहब्बत। हमारी मन्नू ने बहुत बड़ा खेल खेला है हम सबके साथ। मन्नत सुभान से प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये तो कैसी बातें कर रही है, वो सुभान से शादी करना चाहती है, वो उससे मोहब्बत करती है। नाटक कर रही है वो अम्मी। आज दिवाली तो नहीं है लेकिन आज इबादत धमाके पर धमाके कर रही है। एक के बाद एक बड़े सच का खुलासा आज उसने दुआ के सामने कर दिया है। अम्मी, मुझे आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बतानी है। सच्चाई? और तुमने बताना? वो बात जो कब से वो अपने दिल में दबा के बैठी थी आज उसकी जुबान पर आ ही गई है। आज तो इबादत ने दुआ को बता दिया कि मन्नत हम सभी से झूठ बोल रही है और वो सुभान से नहीं बल्कि फरहान से प्यार करती है और हम सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मन्नत सुभान से प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये हो ही नहीं सकता, ये तो कैसी बातें कर रही है। सबके सामने ऐलान किया था कि वो सुभान से शादी करना चाहती है, वो उससे मोहब्बत करती है। हमारी मन्नू ने बहुत बड़ा खेल खेला है हम सबके साथ। इसके बाद इबादत ने दुआ को एक और बड़ा सच बताया कि वो सुभान से प्यार करती है, सुभान उसकी पहली मोहब्बत है। भाई आज तो इतना सच सुनने के बाद दुआ के पैरों तले जमीन ही खसक गई। करती हूँ मैं मोहब्बत से, मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत कितनी भी शादी क्यों ना हो, अगर एक तरफा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं सुभान को चाहती हूँ पर सुभान मुझे नहीं चाहती। सुभान ना कभी मेरा था, ना है, ना हो सकता है। सुभान मन्नू को चाहता है, मन्नत उसकी मोहब्बत। उसने तो इबादत को वार्निंग भी दे डाली कि वो उस पर भरोसा तो कर रही है लेकिन अगर उसे पता चला कि ये सब कुछ इबादत सुभान को पाने के लिए कर रही है तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पास्ट में गजल उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर चुकी है। लेकिन दुआ ने ये बात भी साफ कर दी कि अगर गलती मन्नत की निकली तो वो उसे बहुत बड़ी सजा देगी। मैं तो बोल चुकी हूँ ना, मुझे फरहान से शादी करनी है लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, तो अब उसके लिए मुझे चाहे इबादत को बदनाम करना पड़ेगा बिकॉज वही सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रही है, और सुभान को थोड़ा सा गुमराह करना पड़ेगा बिकॉज वो भी मानने को तैयार नहीं है, तो सब लोग ऐसे बीच में टांग अड़ा रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज एक और धमाका तो मन्नत ने भी किया है, उसने सुभान को बता दिया है कि इबादत उससे प्यार करती है। यहाँ मन्नत ने तो इबादत के लिए अलग ही जाल बुनकर रखा है क्योंकि वो सबको अपनी तरफ जो करना चाहती है, और सुभान भी मन्नत की इन प्यारी प्यारी बातों में आ रहा है। उसने ये बात मुझे खुद बताई है कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब सब लोग इतनी टांग अड़ा रहे हैं हर चीज के बीच में, कोई कहीं से आ जाता है, कोई छुप छुप के सुनने लगता है, तो फिर मुझे बार बार पलटनी पड़ती है अपनी चीजें, वरना मैं तो क्लियर कट कह देती, कह चुकी हूँ 50,000 बार की मुझे शादी नहीं करनी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। अब भाई देखना ये होगा कि ये खिचड़ी जो पक रही है उसमें कौन किसका साथ देता है और क्या इबादत अपने सच को प्रूफ कर पाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।